बर्थडे पार्टी मेरी ग्रैंड डॉटर की है, ड्रेस हमने ले लिया है। उन्होंने कीमत इतनी बताई कि मेरी सास परेशान हो गई। मैं आपको थोड़ा कैमरे में देख लूं कि मैं कैसी लग रही हूं। आए 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 आए। ये फकूर बंदा क्या काम कमाल लग रहे हो, तुम बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरे भाई की बेटी है इतनी बड़ी बड़ी, मैं इनका मुंह नहीं दिखा सकती, दिखाने लायक ही नहीं है। इसलिए अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज सीन कुछ इस तरह का है कि आज हमने जाना है बर्थडे पार्टी पे, ठीक है। एक बर्थडे पार्टी है, मतलब कि बर्थडे पार्टी मेरी ग्रैंड डॉटर की है। मतलब आपको लग रहा होगा कि हाँ शादी तो अभी इसकी अभी हुई है, 6 महीने हुए हैं, अभी इसका खुद का भी कोई बेबी नहीं हुआ और आगे से ग्रैंड डॉटर की बर्थडे आ गई है। तो ये सिचुएशन सारी मैं आपको रास्ते में ऐसे से समझाऊंगी कि किस तरीके से जो है वो मेरी ग्रैंड डॉटर लगती है। तो मतलब उसकी बर्थडे है तो हम उसके लिए क्यूट सा प्यारा सा एक गिफ्ट लेने के लिए जा रहे हैं। एंड स्टे ट्यून, शाम को बर्थडे भी है, हमने रेडी भी होना है और गिफ्ट भी लेने जा रहे हैं। ऑलरेडी बहुत देर हो चुकी है, सो फटाफट से अभी हम जो है ना वो गिफ्ट लेने चलते हैं। वो है अभी माशाल्लाह इतनी सोनी है ये, और तो जो भी पाया जाए सोना ही लगेगा। ऐसे हम लोग अपने बाजार में आए हैं, शरारे करा रहे। पिछली बार भी शरारे करा रहे, उन भी शरारे करा रहे। अभी तो पाकिस्तान का झंडा लगा हुआ इधर ही, बहुत मोहब्बत है ना पाकिस्तान के नाल। हाले तक आवाम दिया चीज़ा वहीं पर आज अगेन अपनी सास के साथ दोबारा मैं इनके साथ ही जा रही हूँ। ये हमारा अंदरून का छोटा बाजार, मतलब हमारे घर के पास वाला बाज़ार है। मतलब समझे कौन सा बाज़ार, मैं आपको बताऊँगी कौन सा। अवामी बाज़ार, इसका नाम अवामी बाज़ार है। मैं तो हल तक छोटा बाज़ार समझ रही हूँ। लो ऐसे नवी गल, टाइम भी उतना ही शॉर्ट है हमारे पास और हमने खरीदना भी बहुत एक खूबसूरत सा और प्यारा सा ड्रेस है। मुझे समझ नहीं आ रही कि वो कहाँ से आएगा और कैसे हम उसको ढूंढेंगे इतने जल्दी और इतने शॉर्ट टाइम में। ड्रेस कोई मुझे उसका हिसाब से पसंद नहीं आ रहा क्योंकि वो इतनी मतलब क्यूट सी और गोलू मोलू सी, तो हमें कोई पसंद आ जाए ड्रेस। इधर छोटी बच्चियाँ हैं उनसे काफ़ी, अभी तक यहाँ पर ग्रीन ग्रीन अभी तक लगा हुआ है भाई। 2 साल की बच्ची का फ्रॉक चाहिए, और पंखा तो चला दो इतनी गर्मी हो गई। 2 साल की बच्ची का नेक का फ्रॉक चाहिए। तेरे बंदे के बंदा ले ले, इतना अच्छा सूट देना चाहिए। ये सूट मुझे कुछ पसंद आ रहा है, मुझे बहुत क्यूट लग रहा है। चलो भाई करो इसका प्यारा सा अच्छा सा इसकी रेट लगा दो। क्या कह रही है, मैं तो चलो खरीद लेते हैं। ड्रेस हमने ले लिया है, उन्होंने कीमत इतनी बताई कि मेरी सास परेशान हो गई, लेकिन हमने कम करवा के हम लोगों ने ले लिया हुआ। अब हम लोग इसको पैकिंग करवा के तो हम फंक्शन की तैयारी करेंगे। अब इस शॉप से हम लोग गिफ्ट रैप करवाएंगे, और गिफ्ट रैप वाला है कहाँ पे भाई, कहाँ गए? गिफ्ट रैप करवाना, गिफ्ट रैप हमारा हो रहा है। तो मैंने सोचा थोड़ी देर में अपने आप को थोड़ा कैमरे में ही देख लूँ कि मैं कैसी लग रही हूँ। गिफ्ट हमारा पैक हो रहा है, मतलब कि हो चुका है। अब हम लोग जो है वो घर जा रहे हैं, घर जाके ज़रा अब तैयारी करें जाने की बर्थडे में। बर्थडे में जाने के लिए ऑलरेडी हम लोग बहुत लेट हो चुके हैं, और बस अब जाने लगे हम वापस घर। जो थोड़े कपड़े हैं इस कदर बुरा हाल हो, मैं लोन का कटन का सोच रही हूँ कि गर्मी बहुत ज़्यादा है और मेरा कोई मूड नहीं। अब मैं रेडी होने लगी हूँ, ठीक है। लाइट चलेगी थी, जैसे मैं रेडी होने लगी लाइट चलेगी, अब शुक्र है लाइट वापस आ गई है। तो अब हम रेडी होने लगे हैं, वो पीछे देख लें, वो मेरा ड्रेस है, ठीक है। नहीं तो ये देख, वो मेरा ड्रेस है, मैं पहन के आपको दिखा दूँगी फिर। एंड अब जो है मैं वो रेडी होने लगी हूँ, मैंने अपने खिलार दिया सारा कुछ। अब मैं रेडी होकर फिर आपसे जो है वो हमारी बात होती है। एंड स्टे ट्यून्ड, अब हम लोग ऑटो में बैठ चुके हैं और हम अब जा रहे हैं बर्थडे पार्टी अटेंड करने के लिए। एंड स्टे ट्यून। ओके सो वी आर हेयर एंड दिस इज़ ज़ारा की बर्थडे है, लिखा हुआ ज़ारा हैप्पी बर्थडे। एंड बहुत क्यूट सा डेकोरेशन किया हुआ बेबी गर्ल, और सामने आपको उसकी पिक्चर नज़र आ रही है हमारी ज़ारा की। एंड देखिए कितनी क्यूट सी और कितनी प्यारी सी थी। ये हमारा बर्थडे केक है, बर्थडे गर्ल के लिए बर्थडे केक है, बहुत क्यूट सा डॉल वाला बनाया हुआ है, बहुत प्यारा और क्यूट सा लग रहा है, बिल्कुल ज़ारा की तरह प्यारा प्यारा। मेरा भी, मैंने पापड़ भी दें प्लीज़ ठीक है।
एक्चुअल मेरे पुप्पो के बेटे के बेटे की बेटी की बर्थडे है, मतलब कि ये सारा सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो, मतलब सिंपल मेरे पुप्पो के जो है ना उसकी कोई बहन नहीं है तो उन्होंने हमें अपनी बहन बनाया हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग उसके बच्चे हमारे जो है वो भतीजे लगे और उनके आगे से बच्चे में की मैं दादी लगी। क्या बात कर रहे बाबा, ये मेरी भतीजियाँ हैं, मेरे भाई की बेटियाँ इतनी बड़ी बड़ी, इनको देख के आप समझ जाए कि मेरे पे क्या गुजरे, मेरी इतनी शादी करनी है इन्होंने अपने हाथों से किया है। हम लोग बर्थडे एंजॉय कर रहे हैं और इनका मुंह दिखा सकते हैं, दिखाने लायक ही नहीं है इसलिए। नहीं नहीं मजाक करी, मैं इनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये लड़की का अबू है, ये वालिद साहब है, लड़की के वालिद हो गए मेरी माशाल्लाह से। हाँ, और अब इसे जिम्मेदार इसको जिम्मेदार हो जाना चाहिए, अब इसको जिम्मेदार लड़का बन जाना चाहिए। ये हमारे क्यूट सी बर्थडे गर्ल है जो गर्मी से बेहाल हुई हुई है। केक कटिंग हो चुका हुआ है, प्लेटों में डल चुका हुआ है, अब हम जस्ट खाने वाले हैं। मेरे पेट में बहुत जुए दो रहे हैं, इतना ज़्यादा मजे का लगा मैं फिर ले आई हूँ खाने के लिए, एंड लग रहा है मेरे मोटी हो जाए इस तरह से मैं केक खाने लगी हूँ तो मैं मोटी हो जाऊँगी, ऑलरेडी बहुत ज़्यादा पहले से हुई हूँ। एंड फाइनली इट्स अ डिनर टाइम और अब हमने खा पी लिया बहुत मज़े से, अब हम लोग वापस जा रहे हैं। यहीं से हम अपने व्लॉग को एंड करते हैं, दुआओं में याद रखिएगा और अगले व्लॉग का वेट कीजिएगा, अगर पसंद आए तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को, एंड टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।